तो गाइस प्रो कबड्डी के मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शन हमें 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा एंड इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसका डेट तो अब ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। लेकिन सभी प्रो कबड्डी फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्लेयर ऑक्शन कब होगा, उसका डेट क्या है। तो ये वीडियो में प्लेयर ऑक्शन को लेकर एक अपडेट आई है, बहुत पहले ही आ गई थी, एक वीक पहले, लेकिन इसको लेकर मैं श्योर नहीं था, अभी मतलब और भी ज़्यादा श्योर हो चुका हूँ। तो ये वीडियो में आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस अगर आप असली वाले प्रो कबड्डी फैन होना तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मतलब आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपडेट क्या है ऑक्शन को लेकर, और उसके बाद हम उस अपडेट के बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, बिकॉज उससे पहले आप सभी को कुछ और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। तो अपडेट है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में हमें सुपर ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। अब ये सुपर ऑक्शन क्या होता है, आप सभी ने मेगा ऑक्शन के बारे में सुना होगा, मिनी ऑक्शन के बारे में सुना होगा, सुपर ऑक्शन क्या होता है आप सभी सोच रहे होंगे, तो हम एंड में बताएंगे इसके बारे में। अभी हम कुछ और बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देन मैं आपको सुपर ऑक्शन के बारे में कुछ और भी बातें बताऊंगा। तो गाइज आज से एक साल पहले, हाँ लगभग एक साल पहले ये अपडेट आया था कि जो भी फ्रेंचाइज है ऑनर से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तेलुगु के ऑनर मिस्टर श्रीनिवास ने ये कहा था कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिकॉज हमें 14 से 15 करोड़ हर सीजन में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और हमें मिल कितना रहा है, सिर्फ 6.5 करोड़। इसका मतलब आप समझ सकते हो 8 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो रहा था। अगर कोई टीम 14 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर मतलब 7-8 करोड़ का घाटा आप कह सकते हो हर फ्रेंचाइज को उठाना पड़ रहा था हर सीज़न में। लेकिन सबसे पहले ये तेलुगु के ऑनर श्रीनिवास ने बोला था, मिस्टर श्रीनिवास ने। उसके बाद मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि अब जल्दी ही हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले फ्रेंचाइज ने स्टार इंडिया से मांग की कि आप पैसा बढ़ाइए हमें, और स्टार ने बढ़ाया भी। स्टार ने कहा कि हम 14 से 15 करोड़ सभी फ्रेंचाइज को हर साल देंगे, लेकिन 14 से 15 करोड़ तो फ्रेंचाइज इन्वेस्ट कर रहा है, अब उनको 14 से 15 करोड़ ही मिल रहा है तो उनको फ़ायदा क्या होगा, ये सभी ऑनर्स का कहना था। तो सभी ऑनर्स ने कहा कि हमें 22 करोड़ मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए हर सीज़न में, आप इससे ज़्यादा भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 22 करोड़ मिनिमम चाहिए, जिसको लेकर स्टार नहीं माना। स्टार मतलब कह रहा था हम 14 से 15 करोड़ ही देंगे, और मैं आपको बता दूँ ये अपडेट अगस्त में आया था 2020 के, मतलब आज से 6-7 महीने पहले, और उस टाइम से आर्ग्यूमेंट चल रहा था। अभी 10 दिन पहले ये अपडेट आया कि जो स्टार स्पोर्ट्स है वो इतना पैसा नहीं देने वाला है फ्रेंचाइज को, और फ्रेंचाइज भी मतलब कम पैसे नहीं लेगी, वो 14 से 15 करोड़ नहीं लेगी, जो बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर फ्रेंचाइज 15 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है उनको एक भी रुपया फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो क्यों करेंगे ये सब। तो फ्रेंचाइज बिल्कुल सही है, और फ्रेंचाइज इसीलिए मतलब चाहती थी कि ऑक्शन हो, तो अब प्रो कबड्डी के जो मीडिया राइट्स है उसके लिए ऑक्शन होगा, एंड होप करेंगे कि प्रो कबड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, 22 करोड़ से भी ज़्यादा मिले, सभी फ्रेंचाइज को मिनिमम 30 करोड़ के पास मिल जाए पर साल, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रो कबड्डी एक अलग ही मतलब लेवल पर जाता हुआ दिखेगा, बहुत कुछ आपको न्यू ऐड होता हुआ दिखेगा, तो होप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सभी फ्रेंचाइज को मिले। अब आप में से बहुत लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगा, तो ये तो पहला रीज़न था जिसके कारण मीडिया राइट्स का ऑक्शन होगा, और मेन रीज़न भी है आप कह सकते हो, बिकॉज प्रो कबड्डी ने भी खुद यही ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पैसे के कारण हम ऑक्शन करा रहे हैं। लेकिन दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि बहुत टाइम से ऐसा अपडेट आ रहा था, और ये रियल भी है, कोई स्पेक्यूलेशन कोई र्यूमर नहीं है, बहुत टाइम से अपडेट आ रहा था और ये कंफर्म है कि प्रो कबड्डी की फ्रेंचाइज का ये मांग था कि जो भी बड़े प्लेयर्स है प्रो कबड्डी में, प्रदीप नरवाल हो गए, पवन सहरावत हो गए, फजल अतरचली हो गए, उन सबको ऑक्शन में आना चाहिए और सभी टीम के पास इक्वली चांस होना चाहिए उन प्लेयर्स को खरीदने का। हाँ थोड़ा बहुत एडवांटेज उस प्लेयर के फॉर्मर टीम के पास हो, मतलब FBM का एडवांटेज हो, लेकिन फिर भी हमें भी खरीदने का मौका मिलना चाहिए, ये फ्रेंचाइज का मांग था। लेकिन स्टार इंडिया ये कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो व्यूअरशिप में घाटा आ सकता है, अगर प्रदीप नरवाल पटना को छोड़ के दूसरी टीम में जाते हैं तो व्यूअरशिप घट सकता है, ऐसा स्टार वालों का मानना था। लेकिन फ्रेंचाइज ने मतलब मन बना लिया था कि नहीं हमें भी खरीदना है, तो ये एक दूसरा रीज़न था जिसके कारण हमें मीडिया राइट्स का ऑक्शन देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये जो डिबेट चल रहा था दोनों के बीच,
कोई किसी का बात नहीं माना और अब ऑक्शन हो ही रहा है, हम सबको पता है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि प्रो कबड्डी की फ्रेंचाइज ने स्टार का बात नहीं माना, अदरवाइज अगर इस साल भी ऐसा ही होता फिर नेक्स्ट सीजन से भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता, फिर स्टार समझ जाता कि यार हमें मतलब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब प्रो कबड्डी ने ये दिखा दिया है कि नहीं, हम दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन है हमारे पास, सोनी का भी ऑप्शन है। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा ब्रॉडकास्टर है जो खरीद सकता है, किसके सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, उसको आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अब कोई भी खरीद सकता है, अब ये कंफर्म नहीं है कि स्टार ही खरीदेगा, शायद कोई और ब्रॉडकास्टर खरीद ले। तो उनसे जब प्रो कबड्डी वहाँ पे बात करे, प्रो कबड्डी की फ्रेंचाइज मसाल स्पोर्ट्स ये सब बात करे, तो शायद वो मतलब ब्रॉडकास्टर्स मान जाए कि हाँ सभी प्लेयर्स को ऑक्शन में आना चाहिए। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर कुछ बड़े प्लेयर्स अपनी टीम को चेंज करते हैं तो व्यूअरशिप और भी ज़्यादा बढ़ सकती है घटने के बजाय। तो ऐसा हो सकता है कि वो शायद जो ब्रॉडकास्टर, वो स्टार स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार स्पोर्ट्स नहीं खरीदेगा, स्टार स्पोर्ट्स भी खरीद सकता है। तो शायद स्टार स्पोर्ट्स भी बात मान जाए, बिकॉज अब स्टार स्पोर्ट्स को भी लगेगा कि हाँ यार प्रो कबड्डी की जो राइट्स है वो हमसे भी दूर जा सकती है, मतलब ऑक्शन भी करा सकता है प्रो कबड्डी अगर हम उसकी बातों को नहीं माने तो। और वैसे भी सोनी के पास अभी ज़्यादा कुछ टेलीकास्ट करने को है नहीं, स्टार के पास IPL है, अभी जो वर्ल्ड कप आएगा वो भी है, जो इंडिया में जितने भी इवेंट्स होंगे वो सभी हैं, इसके अलावा ISL भी हो गया। लेकिन सोनी के पास क्या है, जो भी अवे मैचेस खेलेगी इंडिया उसके राइट्स हैं, इसके अलावा WWE हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन सोनी के पास कम है, तो सोनी शायद प्रो कबड्डी में इन्वेस्ट कर सकता है, तो पॉसिबल है कि सोनी भी खरीद सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऑब्वियस है कि स्टार के ही रहेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि प्रो कबड्डी की फ्रेंचाइज किसी की बात नहीं मान रही, किसी के अंडर नहीं है उतना, तो इस साल हमें एक बहुत बड़ा मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है, उसी को सुपर ऑक्शन हम कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे प्रदीप नरवाल, फजल अतरचाली सभी आपको देखने को मिलेंगे। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि फ्रेंचाइज ने बहुत सही किया है ऑक्शन करा के मीडिया राइट्स का, बिकॉज अगर आपको IPL के बारे में नहीं पता है तो IPL में ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टार स्पोर्ट्स का डिसीजन मानता है BCCI या फिर IPL की गवर्निंग काउंसिल, BCCI को जो सही लगता है BCCI वही करता है, और स्टार स्पोर्ट्स को BCCI से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे पिछले साल अभी COVID-19 आ गया था, तो स्टार के पास आप कह सकते हो क्रिकेट के तीन बड़े राइट्स हैं। सबसे पहले तो IPL का राइट्स, जिसको स्टार ने 16,347 करोड़ में खरीदा है 5 सालों के लिए। BCCI के होम राइट्स, मतलब BCCI इंडिया, आप कह सकते हो इंडिया जितने भी होम मैचेस खेलेगी उन सबके भी राइट्स है, जिसको स्टार ने 6,138 करोड़ में खरीदा है 2018 से 2023 तक के लिए। और ICC ग्लोबल राइट्स, जिसको BCCI ने $1.9 बिलियन में खरीदा है 2015 से 2023 तक के लिए। इसके बीच तीन वर्ल्ड कप होने वाले हैं, लेकिन जब पिछले साल कोई भी इवेंट नहीं हो रहा था ICC और BCCI के द्वारा, तब स्टार ने ये कहा कि भाई अगर आप वर्ल्ड कप शिफ्ट करने का सोच रहे हो तो हमें अभी से बता दो, बिकॉज हमने इसी के लिए 2023 तक के लिए ICC के ग्लोबल राइट्स को खरीदा है, ताकि 2023 का वर्ल्ड कप भी हम ब्रॉडकास्ट कर सके। तो इसके लिए स्टार ने लेटर लिखा था BCCI और ICC को। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी IPL का डिसीजन होता है या फिर BCCI का डिसीजन होता है, उसको BCCI के मेंबर्स या फिर IPL की गवर्निंग काउंसिल ही मिलके लेती है, लाइक प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हो गए जैसा, तो ये लोग मिलके ही लेते हैं। वहीं पे बात करें अगर हम प्रो कबड्डी की, तो उसमें 74% जो होल्ड है मसाल स्पोर्ट्स पे वो स्टार का है। तो जो भी डिसीजन होता है प्रो कबड्डी को, पहले स्टार से भी पूछना पड़ता है। अगर अब स्टार्टिंग डेट कंफर्म करना है तो स्टार का भी उसमें हाथ होगा कि हाँ इस दिन से कंफर्म होना चाहिए, और स्टार का ही बात माना जाएगा, बिकॉज स्टार का 74% होल्ड है। मसाल स्पोर्ट्स मैनेज करता है प्रो कबड्डी को, लेकिन उसका जो 74% आप कह सकते हो होल्ड है वो स्टार के पास है। इसके अलावा जो प्रो कबड्डी के सैंक्शन है, सैंक्शन किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ का जो ऑफिशियल परमिशन देता है उसको हम सैंक्शन बोलते हैं। तो प्रो कबड्डी के सैंक्शन है AKFI, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, IKF, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, AKF, एशियन कबड्डी फेडरेशन। तो सैंक्शन का भी हाथ होता है किसी भी डिसीजन को लेने में, लेकिन स्टार का भी उसमें हाथ होता है, लेकिन IPL में ऐसा कुछ नहीं है। तो होपफुली प्रो कबड्डी भी IPL जैसा मतलब बन जाए, जो भी डिसीजन हो वो AKFI, मसाल स्पोर्ट्स ये सभी मिलके ले, और इसमें स्टार का कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये बस मुझे आपको बताना था। इसके अलावा आपको बता देते हैं प्रो कबड्डी सुपर ऑक्शन के बारे में। तो इसमें होगा कुछ ऐसा कि प्रदीप नरवाल, पवन सहरावत, नवीन फसल, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं सभी आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, एंड 12 फ्रेंचाइज सभी उन पर बिड कर सकती है, सब
फ्रेंचाइज इलिजिबल होगी, लेकिन जो उस प्लेयर की फॉर्मर टीम होगी उसके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा FBM नाम का, फाइनल बिड मैच उसको यूज करके उस प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन सब टीम के पास लिमिटेड FBM ही होगा एंड इस तरह हमें सुपर ऑक्शन देखने को मिल सकता है। अब इसका डेट क्या होगा इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं पता कर रहा हूँ एंड आपको जल्दी बताऊंगा ऑक्शन डेट ऑफिशियली, जो ऑफिशियली तो अभी नहीं आएगा लेकिन मतलब एक क्लोज मैं बता सकता हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो, उसके बारे में डेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको प्रो कबड्डी सुपर ऑक्शन के बारे में बस यही बताना था कि सभी प्लेयर्स ऑक्शन में होंगे। एंड गाइस प्रो कबड्डी में मेगा ऑक्शन तो हमें हमेशा ही देखने को मिलता है, लेकिन ये सुपर ऑक्शन जब मीडिया राइट्स होगा तभी हमें देखने को मिलेगा, मतलब ये सीजन से आप कह सकते हो 5 सीजन बाद, जब सीजन 13 होगा वहां पे एक बार फिर से जब मीडिया राइट्स का ऑक्शन होगा उस टाइम एक बार फिर से हमें सुपर ऑक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस साल प्रोबेबली सुपर ऑक्शन होने वाला है जहां पे सभी बड़े प्लेयर्स आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में कुछ और भी अपडेट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है एंड वहां पे हम डेट के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए बस यही थे वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इनसे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।